हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो टेक्निकल हर्ष यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार यूट्यूब पर सर्च करते रहते हो हाउ टू इंक्रीज टिकटॉक लाइक्स या फिर हाउ टू इंक्रीज टिकटॉक फॉलोअर्स, तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ करके सर्च करते हो तो आपको वहाँ पर ढेरों सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करके उनको चलाते हो तो उसमें आपको बोला जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और आप इससे लाइक भी बढ़ा सकते हो। तो गाइज, ये बात सच है कि आप उनसे लाइक और फॉलोअर तो बढ़ा सकते हो, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि उनको बढ़ाने के बाद आपके टिकटॉक अकाउंट में क्या होता है? तो गाइज, अगर आपको नहीं पता इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट तक जरूर देखिए। आज मैं आपको फुल ट्रूथ बताऊंगा कि क्या सच में हमें जो यूट्यूब के जो हम एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से जो अपने फॉलोअर्स या फिर जो लाइक्स उनको इंक्रीज करते हैं, क्या वे सच में इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर टिकटॉक पर जो फॉलोअर्स बढ़ाने की ट्रिक है तो वो क्या है, और जो लाइक बढ़ाने की ट्रिक है तो वो भी क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को करिएगा एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यूट्यूब पर इनको सर्च करते हो कि हाउ टू इंक्रीज टिकटॉक लाइक या फिर हाउ टू इंक्रीज टिकटॉक फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, तो ऐसे कुछ सर्च करके आपको वीडियोज में मिल जाता है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए और इससे आपके जो आराम से लाइक्स और जो फॉलोअर्स हैं बढ़ जाएंगे। तो ऐसे मुमकिन आराम से आपके जो फॉलोअर्स भी और जो लाइक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आप सपोज कीजिए, अगर आपने वेबसाइट पर जाकर लॉगिन किया, वहाँ पर आपने टिकटॉक आईडी डाली और वहाँ से अपने ऑटो फॉलोअर्स ले लिए, लेकिन गाइस उसके बाद अगर आप ऐसे कर करके 1 लाख 2 लाख भी तक भी आपने जो टिकटॉक फॉलोअर्स को कर लेते हो तो भी उन फॉलोअर्स का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो फॉलोअर्स बिल्कुल फेक होते हैं। ठीक है, हमें फ़ायदा उनसे होता है जो कि एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं और रियल फॉलोअर्स होते हैं। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक या फिर यूट्यूब, जब तक हमें एक्टिव यूज़र्स नहीं मिलेंगे तब तक हमें ना तो लाइक आएंगे, ना फिर आप कह लीजिए यूट्यूब की बात, ना ही हमें कुछ सब्सक्राइब वगैरह मिलने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक्टिव यूज़र्स की। तो अगर आप वेबसाइट या फिर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन से अगर आप अपने इंस्टाग्राम लाइक्स या फिर फॉलोअर्स को इंक्रीज करोगे तो उनसे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोई टिकटॉक अकाउंट को देखेगा तो वहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ, ये बंदा जो फेमस है टिकटॉक पर, अगर वो आपकी कोई भी वीडियो देखेगा तो बिल्कुल वो आपके अकाउंट को फेक मानेगा, क्योंकि आपके जो उसमें फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर वो तो आपके दिखाएगा 1 लाख या फिर 2 लाख, और अगर आपके लाइक चेक करेगा तो लाइक आपके 5, 6, 7 या फिर इतने लाइक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं बिल्कुल ही फेक है। और अगर आपको लग रहा है कि वे फेक नहीं है, रियल है, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जब भी आप वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से अपने फॉलोअर्स या फिर लाइक्स को बढ़ाते हो तो उसको बढ़ाने के बाद आप चेक कीजिए अपने टिकटॉक नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर आपको जो आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, उस नोटिफिकेशन में आपको ऐसे ऐसे नेम मिलेंगे वो आपको पढ़ने भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो अलग कोई फेक आईडी से आपके जो फॉलोअर्स और जो क्या कहते हैं लाइक्स, वो आपके बढ़ जाते हैं और आप सोच लेते हो कि हाँ, ये एप्लीकेशन और ये वेबसाइट बहुत ही ठीक है, इससे हम आसानी से अपने फॉलोअर्स और लाइक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि इनसे आप फेक बढ़ा सकते हैं, तो आप बता दो कि हम जो रियल टिकटॉक पर जो अपने फॉलोअर्स और लाइक्स कैसे बढ़ाएं। तो वैसे देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी हैंडल की आप बात करो, तो गाइज उनमें आप सभी को आपको सबसे पहले एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको डेली वीडियो डालनी पड़ेंगे, डेली वहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको टिकटॉक पर भी अपनी डेली वीडियो डालनी पड़ेंगी, और इसके साथ साथ आपको अगर आप चाहते हो कि इनके अलावा भी कोई हमें ट्रिक पता चले तो और ट्रिक ये है कि जैसे कि कोई बड़ा यूट्यूबर जो बड़ा स्टार है टिकटॉक पर, उसको आप फॉलो करो, कोई भी वो न्यू वीडियो डालता है तो वहाँ पर आप उसकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो आप कमेंट करोगे उससे भी आपको आपके जो अकाउंट पर फॉलोअर्स आएंगे। ठीक है, आपका जो कमेंट उस पर क्लिक करके आपके जो प्रोफाइल पर टिकटॉक यूज़र्स आएंगे और आपको उसके का तो फॉलो भी कर लेंगे। और बाकी अगर आप टिकटॉक पर ये सर्च वहाँ पर जब कमेंट करोगे लाइक फॉर लाइक या फिर फॉलो फॉर फॉलोवर, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मैं भी आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि सोच रहे हैं कि हमें कोई लाइक कर दे तो हम भी उसको लाइक कर देंगे। तो ऐसे ही आप उनको लाइक कीजिए, वो भी आपको लाइक करेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, जो बड़े बड़े स्टार हैं आप उन्हीं को लाइक करते हो,
आपको जो भी टिकटॉक पर वीडियोस दिखाए जाते हैं उनमें अगर कम लाइक होते हैं जिस वीडियो पर आप उसको लाइक नहीं करते हो, चाहे फिर वो अच्छी वीडियो हो या फिर अच्छी वीडियो नहीं भी हो, लेकिन जो कोई भी स्टार होता है अगर उसकी वीडियो अच्छी नहीं भी होगी तो आप उसको फिर भी लाइक कर देते हो, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो टिकटॉक का स्टार है उसको आपको नोटिफिकेशन तो चली जाती है लेकिन वो नहीं देख पाता है। और अगर जो छोटा स्टार होगा, ठीक है, मान लीजिए जो छोटा टिकटॉकर यूज़र होगा, तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी तो उसको पता चलेगा इसने मेरी वीडियो को लाइक किया, तो वो भी आपकी वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। तो आप इन्हीं टिप्स को अपनाइए, आप एप्लीकेशन वेबसाइट इन पर मत जाइए, और आपको जो ये टिप्स हैं कमेंट करने वाले इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप टिकटॉक पर रेगुलर अपनी वीडियोज़ को डालोगे तो। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपको जो YouTube पर आप ये सर्च मत कीजिए हाउ टू इंक्रीज ऑटो फॉलोअर्स या फिर हाउ टू इंक्रीज TikTok लाइक्स, क्योंकि आपको अलग अलग थंबनेल अलग अलग टाइटल दिखाए जाएंगे, अट्रैक्टिव थंबनेल, जिससे कि आप जरूर उन वीडियो को देखोगे। और सभी वीडियोस में आपको यही बताया जाता है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए और इस एप्लीकेशन पर जाइए। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि एप्लीकेशन का आप यूज़ ना करें, वेबसाइट का आप यूज़ ना करके अपना जो बिल्कुल रियल और एक्टिव जेन्युइन फैन ले, जिससे कि आप फेमस भी होगे और वो आपको जानने भी लग जाएंगे। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करेगा एक लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब और साथ ही दबाएगा बेल के आइकन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।